Hello guys, in this video segment we will discuss about the chemical reaction and equation. So class 10th ka chemistry ka pehla chapter hai chemical reaction and equation, jiske bare mein hum log aaj is video lecture mein discuss karne wale hain. To video shuru karne se pehle main aapse ye kehna chahunga ki aap चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे. चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज वो चेंज है व्हेन मैटर चेंज फ्रॉम चेंज फॉर्म्स बट नॉट द केमिकल आइडेंटिटी. जब भी कोई मैटर मैटर, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे. नाइन्थ में आपने देखा होगा व्हाट इज मैटर. मैटर एनीथिंग विच इज आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड मैटर. जो भी हमारे सराउंडिंग में है उसको हम लोग मैटर कहते हैं. और उसका एक जो है मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं. तो यहाँ पे मैटर चेंज फॉर्म्स, जब मैटर फॉर्म को चेंज करे बट उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. देखिए यहां पे मैंने दिखा है कि ए मैटर प्रेजेंट इन द ए फॉर्म चेंज हो गया बी फॉर्म में, और जब आपने उससे कंडीशन हटाया तो कंडीशन हटने पे वो क्या हुआ, बी से फिर से ए में चेंज हो गया. तो जैसे इन 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 प्रोसेसेस का एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल है बॉइलिंग. बॉइलिंग मतलब अगर हम पानी को गर्म करते हैं, गर्म किया और जब उस पे से कंडीशन हटा ली, फ्लेम हटा लिया, तो पानी फिर से ठंडा हो जाएगा. यानी कि चेंज आया, फॉर्म को चेंज हुआ लेकिन फॉर्म फिर से वापस पानी में चेंज हो गया जब आपने कंडीशन हटाया. मेल्टिंग, मेल्टिंग इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. जहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि फॉर्म चेंज हो और उसमें रिवर्ट बैक ना हो, यहां फॉर्म क्या हो सकता है, रिवर्ट बैक हो सकता है. फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, जब भी आप कंडीशन रिवर्स करोगे तो वहां पर क्या होगा, वो फिर से उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में अगर कोई, केमिकल चेंज रिजल्ट्स फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है. जहां पे कोई भी मैटर अगर ए फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो बी फॉर्म में चेंज हो जाता है लेकिन फिर से वो बी से ए में चेंज नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो ये रिवर्स नहीं होता. ऐसे केमिकल प्रोसेसेस मतलब जहां पर भी हमारा कोई भी मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया फिर उस दूसरे फॉर्म से ए फॉर्म में नहीं आ रहा है. मोस्टली, मैंने नहीं कहा कि ऑल केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, सभी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, बट मोस्टली इट हैपेंस कि केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, वहां अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया तो दूसरे से फिर से रिवर्ट होकर उसी फॉर्म में वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है या नहीं के बराबर है. तो देखिए यहां ए से बी में चेंज हुआ लेकिन बी से फिर ए में चेंज नहीं हो पा रहा है. इसके एग्जाम्पल है बर्निंग. जैसे आपने मान लीजिए कि आप कुछ भी एनीथिंग लाइक पेपर को आपने जला दिया तो पेपर जलकर उसने क्या बना दिया, राख बना दिया, ऐश बना दिया, जिसको हम लोग ऐश कहते हैं. अब ऐश से फिर से आप पेपर नहीं बना सकते. तो देयर इज अ सम केमिकल रिएक्शन हैपेंड बिहाइंड द प्रोसेस. उस प्रोसेस के पीछे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई जिसकी वजह से पेपर से ऐश तो बन गया लेकिन ऐश से पेपर नहीं बना. तो बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज. कुकिंग, खाना बनाना है आपको, आप दाल को कुकर में चढ़ा दिया, आपकी दाल पक गई है, अब उस पकी हुई दाल से फिर से रा पल्सेस तो नहीं बन सकती, रा मटेरियल नहीं आ सकता. तो दिस इज अ प्रोसेस. तो मतलब इस कुकिंग में कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से आपकी खाना पक रहा है और पककर फिर वापस नहीं आ सकता. तो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज. तो दो चीजों को हम लोग समझ चुके हैं, फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज. आगे हम लोग देखते हैं कुछ एक्टिविटीज आपकी बुक में दी हुई हैं. ये चैप्टर जो पहला है बहुत ही बेसिक चैप्टर है. इस चैप्टर
को समझना समझने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों जगहों पे चल रही है। मेरी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे एक्टिविटी लिखी थी, देख रहे होंगे कि आप एक मैग्नीशियम रिबन एक हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको किसी टोंग से एक चिमटी से पकड़ा है और उसको जलाने की कोशिश की जा रही है। लैंप पे जल रहा है, जलकर ऐश बना रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन आपने लिया और मैग्नीशियम रिबन बाद में वाइट ऐश बनाता है। जो वाइट ऐश है उसका फार्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका जो फार्मूला है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कहाँ से आई? एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हमारी मैग्नीशियम की रिबन जलेगी। तो जलकर ऐश बनाएगा, जो ऐश बनेगा उसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इस जलने की प्रोसेस में जब आप मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो जलने की प्रोसेस में हीट एनर्जी निकलती है एज वेल एज लाइट एनर्जी भी निकलती है। तो वहां पे बुक में लिखा होगा चटचटाहट के साथ जलता है, ठीक है, लाइट प्रकाश के साथ जलता है। तो वहां से जब प्रकाश निकल रहा है ना, हीट निकल रही है, तो हीट एनर्जी इज लिबरेटेड आउट फ्रॉम द रिएक्शन, लाइट इज लिबरेटेड आउट फ्रॉम द रिएक्शन, दोनों चीजें हो रही हैं। तो यहां मैंने निकाल दिया। एक प्रोसेस आपने देखा, ऑक्सीजन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर विच हेल्प इन द कंबस्शन, या जो सपोर्ट करती है कंबस्शन में, जलने में सपोर्ट करती है। दूसरी एक्टिविटी आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर हम लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बना लें। सोल्यूशन किसमें बनाएंगे आप? लेड नाइट्रेट लिया, पानी लिया, पानी में उसका सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। सोल्यूशन समझते हैं, जैसे हम लोग घरों में क्या करते हैं, जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो पानी लिया, चीनी लिया, चम्मच लिया, हिला दिया, शरबत बन गए, पानी में चीनी घुल गया। तो पानी क्या है? एक सॉल्वेंट है, और शक्कर क्या है? एक सोल्यूट है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोगों ने सोल्यूशन फॉर्मेशन किया, लेड नाइट्रेट को लिया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया और लेड नाइट्रेट सोल्यूशन हमारा बन गया, ठीक है। दूसरी तरफ हमने दूसरा सोल्यूशन बनाया पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है के आई, पोटेशियम के लिए के, आयोडाइड के लिए आयोडीन के लिए आई। तो पोटेशियम आयोडाइड इसको बोलते हैं और इसका भी सोल्यूशन बना लिया। जब इन दो सोल्यूशन को मिलाया, इन दो सोल्यूशन को जब मिलाया गया तो क्या हुआ, कुछ ही देर बाद यहां पर एलो लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट क्या होता है? आप कहेंगे ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो जैसे आप दूध देखते हो घरों में, घर में आपके दूध है, दूध बिल्कुल एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है आपको दिखता है, लेकिन जब दूध फट जाता है, फट जाना होता है यानी कि उसमें से क्या हुए, प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो आप उसको छानकर छेना बना लेते हो, छानकर पनीर बना लेते हो, तो प्रेसिपिटेट हो जाना यानी कि उसमें से चीजें अलग हो गई सोल्यूशन से। तो ऐसा ही हुआ कि जब आपने लेड आयोडाइड को सोडियम नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ मिक्स किया तो वहां पर बन गया एलो लेड आयोडाइड, जिसका कि प्रेसिपिटेट बन गया, कलर चेंज हुआ, एलो कलर आ गया। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की इस एक्टिविटी में कि कलर चेंज हुआ, मैटर का फॉर्म चेंज हो गया, दोनों सोल्यूशन में थे और प्रेसिपिटेट बन गया। ये दोनों एक्टिविटी आपको यही बताती हैं। आइए थर्ड एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं कि हमारी थर्ड एक्टिविटी क्या कहती है। थर्ड एक्टिविटी में देखिए क्या हुआ, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं और इसमें डाइल्यूट HCl हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं। जिंक ग्रेन्यूल लेकर डाइल्यूट HCl को यहाँ पे डाला, डाइल्यूट HCl जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दूसरी तरफ यहाँ में हमने वाटर ले लिया है और वाटर के ऊपर एक स्टैंड लगाकर एक टेस्ट ट्यूब को रिवर्स में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया है, पानी यहाँ पूरा भरा हुआ है और हमारी जो ये हाइड्रोजन गैस है ये पानी को हटाकर उसके ऊपर भरी जा रही है, भर रही है, ठीक है। आपको इस फिगर से ये दिख रहा है, जिंक ग्रेन्यूल यहाँ पे है, डाइल्यूट HCl यहाँ गिराया, यहाँ से गैस बनी, इधर गई और पानी में रखे हुए उल्टे परख नली में ऊपर की तरफ हाइड्रोजन गैस चली गई है।
देखिए यहाँ पे रिएक्शन को देखिए, जिंक ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बबल ऑफ गैस इवॉल्व, बबल गैस की बबल इवॉल्व होती है, एकम्पनीड बाई ब्रिस्क इफर्वेशंस, तेजी के साथ बुलबुले वाली गैस निकलती है वहां से, ब्रिस्क इफर्वेशंस का मतलब तेजी के साथ बुलबुले वाली गैस निकल रही है। अपॉन टचिंग द फ्लास्क, जब हम इस फ्लास्क को टच करते हैं, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन गैस भर रही है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हमको पता चले कि वहां हाइड्रोजन गैस हमारा भर भी रहा है कि नहीं, ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो व्हेन यू टच दिस ग्लास, आप जब इस ग्लास को टच करते हो, इस परखनली को टच करते हो तो वहां पर आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि आपका रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भर रही है। तो अपॉन टचिंग द फ्लास्क इज फाउंड टू बी हीटेड अप, तो हीट निकल गई। जब किसी रिएक्शन से हीट बाहर निकले, इस रिएक्शन से क्या हुआ, गैस भी निकल रही है और गैस के साथ हीट भी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। और जब किसी रिएक्शन में के अंदर हीट जा रही हो, यानी कि बाहर इन्वायरमेंट उसका ठंडा हो जाए, बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन में हमने एक्सोथर्मिक बताया, जब हीट बाहर निकले, और जब हीट अंदर चली जाए, हीट अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि रिएक्शन का जो टेम्परेचर आप कर रहे हो 25 डिग्री पे, तो हो सकता है कि उसकी टेम्परेचर जब इंडोथर्मिक में क्या होगा, नीचे गिर जाएगी, मतलब 20 डिग्री 22 डिग्री पहुंच सकती है, और जब बाहर निकल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस एक्टिविटी से आपको ये भी पता चला कि कुछ रिएक्शन ऐसे हो रहे हैं जिसमें गैस निकल रही है साथ साथ हीट भी निकल रही है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व बाय द रिएक्शन इज कलेक्टेड ओवर वाटर, हाइड्रोजन गैस जो यहां निकल रही है उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज इट डज नॉट डिजॉल्व इन इट। क्वेश्चन ये पूछता है हाइड्रोजन गैस को वाटर के ऊपर क्यों कलेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर ये है कि हाइड्रोजन गैस वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होती, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, वो मिक्सअप नहीं होगी और टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ से कलेक्शन के बाद भी उसको चेक कर सकते हो, अगर आप माचिस की तीली ले जाएंगे तो वो क्या होगा, चिटचिटा कर जलेगी हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी 4 मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। अगर आप आयरन की नेल ले ली और आयरन के नेल को वाटर में प्लेस कर दिया, एक बीकर लिया और वाटर में प्लेस कर दिया, छोड़ दीजिए 2-4-5 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, फॉर सम डेज, और हिलाइए मत उसको, छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो क्या होगा, वहां पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। आयरन लिया था, फेरिक ऑक्साइड बन गया, हाइड्रेटेड का मतलब H2O लगा हुआ है, Fe2O3H2O, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग। आपने भी देखा होगा कि आपने घरों में अगर दरवाजे लगे हैं और आपने अगर उन दरवाजों को जो है पेंट नहीं किया या उस पर पॉलिश नहीं किया, तो उस लोहे के दरवाजे कुछ दिनों के बाद उनका कलर चेंज हो जाता है, उस पर रस्ट लग जाता है, जिसको आप कहते हो जंग लग गया, ठीक है, तो जंग लग जाता है, तो कलर चेंज होता है ब्राउन कलर। तो आपने इन एक्टिविटीज से सीखा क्या, आपने एक्टिविटीज से सीखा कि देखिए भाई, मैटर का फॉर्म चेंज हो सकता है केमिकल चेंज में, मैटर का कलर चेंज हो सकता है केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में गैसेस निकल सकती हैं, केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर निकल सकता है बाहर, यानी कि हीट निकल सकती है, एक्सोथर्मिक हो सकता है, इंडोथर्मिक हो सकता है, वहां पर कलर चेंज भी से आपको दिखा दिया गया। इन चारों एक्टिविटी में आपने यही सीखा, तो यही करेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। तो देखिए, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल चेंज हम लोगों ने यहां पढ़ा, जो कि हमारे इस वीडियो सेगमेंट का टॉपिक था। तो अंत में कंक्लूजन निकला, तो पहला कंक्लूजन, दे आर जनरली अ चेंज इन कलर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज के कलर में चेंज आपको मिलेगा। एग्जाम्पल, रस्ट ऑफ आयरन ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल ये भी दे सकते हो जहां पर आपको लेड आयोडाइड में कलर एलो मिल जाता है। दूसरा, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस नॉर्मली चेंज, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकते हैं,
तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को, तो वो ऐश बनता है और उसका उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जब बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 2MgO, उसी का ऐश बना, वो भी एक पाउडर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। ये देखिए सॉलिड में था, ये गैस में था और ये फिर सॉलिड में हो गया। यहाँ पर भी आप रिएक्शन में देख सकते हो जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी कि मैं जो आपका लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में था, KI एक्वस फॉर्म में था, और जब लेड आयोडाइड बना तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। ओके, तो देयर इज अ चेंज। थर्ड प्रोसेस, यानी ये थर्ड पॉइंट, इन सम केसेस अ गैस में भी इवॉल्व। तो आपने देखा कि जब जिंक क्लोराइड बन रहा है Zn+2HCl से, तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना पॉसिबल होता है, तो हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है। इन सम केसेस अ पीपीटी में भी फॉर्म, कुछ केसेस में प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड फॉर्म बनते हैं। तो देखा था आपने एक्वस ये था, प्रेसिपिटेट बन गया लेड आयोडाइड का। ओके, केमिकल चेंज इज परमानेंट नेचर। केमिकल चेंज, ये एक प्रॉपर्टी निकलती है पांचवी, कि केमिकल चेंज एक परमानेंट नेचर है एंड कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। इजिली रिवर्स के लिए लिखा हुआ है, इसको आप इजिली रिवर्स नहीं कर सकते, ये एक परमानेंट चेंज है। कुछ ऐसे भी रिएक्शन मिलेंगे जो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, वो रिवर्स नहीं किए जा सकते। छठा, इन मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज टेम्परेचर चेंजेज, बहुत सारे में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जब आपके मीडियम का टेम्परेचर घट जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कि पानी में हम लोग कोई ऐसा सॉल्यूट डाल दें जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे कभी ग्लूकोज में भी चेक किया होगा तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाए, जो आपका मिक्सचर हो उसका टेम्परेचर ही डाउन हो जाए, यानी कि हीट कहाँ चली गई, हीट रिएक्शन के अंदर चली गई, और जब रिएक्शन करने से हीट बाहर निकलती है तो गर्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा चूने को पानी में डाल दीजिए, चूने को पानी में डालेंगे तो खूब तेज खोलता है थोड़ी देर के लिए, तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एजुकेशन। तो ये आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक्स जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।